नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम और मैं दुर्गेश सोनी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे नए अपडेट्स आपको तुरंत मिलें। आप एक नोट्स बनाइए। नोट्स का मतलब आप जैसे कोई सा भी फ़ोन की आपने अनलॉकिंग की, चाहे वो कोई भी मॉडल हो, ठीक है, मीडियाटेक से रिलेटेड, क्वालकॉम से रिलेटेड, चलो ठीक है, वो तो आपको पता है सीपीयू वाइज, बट आपने कोई सा भी एक फ़ोन किया, जैसे आप माइक्रोमैक्स या लावा या फिर ओप्पो वीवो एमआई, या तो आपने किसी चीज़ का भी आपने किया, तो उसका आपने जब सक्सेस हो गया तो उसको तीन चीज़ें लिखेगी, किस टूल से सक्सेस हुआ है, कैसे वो किस मोड पर सक्सेस हुआ है, वैल्यूम अप वैल्यूम डाउन, इसकी बूट की क्या थी, आप कीपैड ही क्यों ना कर रहे हो, कीपैड में लिखे कि उसकी 5 है, स्टार है, हैज है, क्या है बूट की और वो किस टूल से सपोर्ट हो रहा है। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा अपडेट बना रहना है। बट आप जब फॉरम को डाउनलोड करते हैं, जब आप टूल को डाउनलोड करते हैं, जैसे आपने सपोर्ट यूएमटी का आपने सेटअप डाउनलोड कर लिया और उसी को चला रहे हैं, आप 3.5 है तो आप 3.5 ही यूज़ कर रहे हैं, नहीं, आपको मैंने पहले ही बोला था हमेशा आपको अपडेट में बने रहना है। अपडेट कैसे बने रहना है, मतलब आपको 10 दिन में 15 दिन में हमेशा यूएमटी, आपको यूएमटी वाले या मिरेकल वाले, मिरेकल तो चलो बता देते हैं कि हमें आप नया वर्जन दो तब हम चलेंगे, ठीक है, बट यूएमटी और एमआरटी आपको नहीं बोलेंगे कि आपको न्यू वर्जन चाहिए, उसके लिए आपको हमेशा अपडेट बने रहना है, ठीक है। तो चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन में जैसे आप, हम पहले यूएमटी को बताएंगे फिर एमआरटी को बताएंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले यूएमटी, तो यूएमटी हमें डाउनलोड करने के लिए हमें यूएमटी जीएसएम लिखना होता है। क्या लिखना होता है? यूएमटी जीएसएम, वही लिखेंगे, सेम प्रोसेस। सभी को दिख रहा है ना स्क्रीन? दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, तो वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यूएमटी जीएसएम लिखेंगे। जीएसएम फोरम एक साइड है। जीएसएम फोरम क्या होती है? एक साइड होता है, जैसा सबको ही पता है। आप इसको क्लिक करते हैं और आप क्या बोलते हैं कि हमेशा उसको, चीज़ों को आप देखते हैं, बट आप ये रिवीजन जो इसका होता है, इसमें रिवीजन पढ़ा करिए। ये जो जीएसएम फोरम का साइड है, इसमें इसके रिवीजन डले होते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो जीएसएम का फोरम है, ये बहुत ही मेन मैटर रखता है। क्या हो गया? चलो, तो ये देखो, ये जो जीएसएम का फोरम होता है, इसमें सारी चीजें ऐड होती है। चलो सपोज हमें डाउनलोड करना है कोई भी एक सेटअप डाउनलोड करना है, तो अभी इसका देखो, यहाँ से अपडेट आपको पता चलेगा। अभी क्यूसी फायर का 5.6 चल रहा है। क्या चल रहा है? 5.6, ठीक है। अभी ये आप यूज जो कर रहे होंगे, या तो आप 3 वर्जन 4 वर्जन जो भी आप यूज कर रहे होंगे, हमेशा अगर अपडेट है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो आपको हमेशा अपडेट बने रहना, चाहे वो यूएमटी हो, एमआरटी हो, चाहे वो जो भी एनी डोंगल्स जो आप डोंगल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अब हम खोलेंगे, क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद अब आप जैसे ही नीचे आओगे तो आप डायरेक्ट चले जाते हो डाउनलोड करने के लिए। आप इसको पढ़ते नहीं हो कि इसमें ऐड क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें, कि ये जो 5.6 आया है तो इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई है, तो ये सारी चीज़ें इसकी रिवीजन होती है। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें, आप इसको पढ़ेंगे, आप पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट आप नीचे स्क्रॉल करते हैं और नीचे जाने के बाद सीधे आप इसको डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। नहीं, आप उसको पहले इसको रिवीजन पढ़िए, इसके सारे, अगर आपके पास टाइम है तो उसके रिवीजन देखिए कि इसमें कौन कौन से मॉडल, लेनोवो के मॉडल ऐड हुए हैं, K10 प्लस इसमें ऐड हो गया है, J5 प्रो GT ऐड हो गया है, इसमें सारे मॉडल्स हॉनर के 7 है, ये जो भी मॉडल्स है, देखिए यहाँ पे लिखा एडेड, लिखा है ना, एडेड दिखाई दे रहा है सभी को? तो ये सारे रिवीजन होता है, आपको यहीं से अपडेट होना है। आपने जो भी क्लास आपने ज्वाइन की, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपने किया, अब उसके बाद जो भी आगे के सेट आएंगे, आपको सारी चीज़ें यहीं से अपडेट होना है कि सर कौन सा मॉडल कहाँ से हो रहा है। बट अब ये आपने तो देख लिया, बट आपको फिर प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपका सेट यूएमटी से हो गया, ठीक है, यूएमटी से होने के बाद अगर वो यूएमटी से काम कर गया, तो एक नोट्स बनाओ कि उसमें हमारा जो यूएमटी से हुआ है तो हमारा कौन सा मॉडल किस डोंगल से सक्सेस हुआ है,
तो कल के पास फिर से आपके पास जैसे 2 महीने बाद या 3 महीने बाद वो फ़ोन आएगा, तो आप फटाक से आप अपने नोट्स उठाओगे और देखोगे ओप्पो का अलग बना लो, वीवो का, एमआई का और सैमसंग का एक अलग अलग चार्ट बना लो, ठीक है, कि कौन से मॉडल के कौन से सेट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था अपडेट कि आपको यहाँ से इनका रिवीजन को पढ़ना है, सारी चीज़ें यहाँ पे जो रिवीजन होती है, रिवीजन का मतलब जो प्रैक्टिकल होता है, ये जीएसएम फोरम में भी डालते हैं कि कौन सा कहाँ से ऐड हो रहा है, ठीक है। इसमें सर ऐसा होता है कि जब हम जीएसएम फोरम अपडेट देखते हैं तो बहुत सारा देता है उसमें, देख का प्रो अलग देता है, अलग सुनो देता है। मैंने क्या बताया, आपको अपडेट होना बताया, फिर मैंने क्या बताया सेकंड कि आपको फिर ट्राई करना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उन्होंने ऐड किया है तो काम करे ही, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मीडिया फायर में जाकर के या गूगल ड्राइव में जाकर के आप अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो, एक एक ऐप को खोलोगे तो सारे ऐप यहाँ पे मिल जाएंगे, मतलब एक जो भी आप खोलोगे क्यूसी फायर या एमटीके का या जीएसएम फोरम कुछ भी खोलोगे यहाँ पे सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, ये देखो, ठीक है। अभी एक अपडेट और भी देंगे, इसका जो एमएमसी का है, एमएमसी का एडाप्टर, इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से आईएसपी कर सकते हो, जो कि इनका वर्जन है, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा एक, ये भी आप लोग डाउनलोड कर लो और इसे एक्टिवेट करा लो, यूएमटी प्रो अल्टीमेट एमएमसी 0.2, इसमें फ्लैशिंग भी कर सकते हो, ये जो है वर्जन ये तब खुलेगा, इसमें 1200 रुपये या 1000 रुपये जो भी होगा इसका एक्स्ट्रा अलग से एक्टिवेशन कराना होगा, तो आप जेडएक्स आईएसपी से भी कर सकते हो और इसका यूएमटी का भी एक एडाप्टर आता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से यूएमटी को कर सकते हो। अब चलो एक यूएमटी को खोलते हैं, मीडिया टेक का कोई खोल लेते हैं या कॉलकॉम का, क्यूसी फायर का जो लेटेस्ट है करंट का हम वो खोल लेते हैं। तो चलो हम जाते हैं उसमें। अब सपोज हम मीडिया टेक को ले लेते हैं, ठीक है। सभी को स्क्रीन दिख रही ना? जी सर। अरे खुल जाओ, ये शेयर हो रहा है, इतना टाइम लगता है। चलो सर ये खुल गया हमारा यूएमटी का इंटरफेस। अब ये मीडिया टेक सीपीयू को सपोर्ट करेगा, किसको सपोर्ट करेगा? मीडिया टेक सीपीयू, जो भी होगा, जो भी मॉडल्स है, जो भी उन्होंने बताया है कि हमने इतने मॉडल्स को ऐड किया है, अब हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली तौर पे करना है। तो प्रैक्टिकली तौर पे कैसे होगा? जब आप खुद से करेंगे उसमें, ठीक है। तो अब ये देखिए 2.6, मैं यहाँ पे अभी वर्जन चल रहा है 2.6, पर यहाँ पे ये अपडेट हो गया है, शायद 2.8 आ गया है। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ इसका, यूएमटी का मीडिया टेक 2.9, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे 2.9, 3. अमूमन 3.0 आ गया, मतलब ये आपको ऐसे ही अपडेट होना है। अब मैं चला रहा हूँ 2.6 चला रहा हूँ, ठीक है, पर ये कितने चार चार पॉइंट ऐड हो चुके हैं, मतलब अब सोचो इसमें कितने मॉडल्स आगे हो गए होंगे। इसीलिए मैंने डाउनलोड करके रखा है इंस्टॉलेशन, मैंने इसलिए इसको अपडेट नहीं किया, आपको यही चीज़ दिखाने के लिए। कौन सा भी मैं चला रहा हूँ 2.6, और अमूमन आप भी यही चला रहे होंगे, ठीक है। कोई 2.6 या किसी ने 3 अपडेट कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे देखोगे मैं यहाँ पे 2.6 है, मैं ये दिखाने का ये मोटिव था, क्योंकि ये जो 2.6 है अब वो 3 आ गया, मतलब 4 आगे हो चुका है, तो वो जो है तो उसमें 4 तो ज़्यादा मॉडल ऐड हो गए होंगे ना, और जो इसमें कमियाँ होंगी, जो डिटेक्नेशन होगा वो उसमें ज़्यादा बेटर होगा। तो हमेशा लेटेस्ट टूल को ही लेके चल रहा है। तो चलो अब यहाँ से ये सारी चीज़ें पता है, फ्लैशिंग का तो मैटर यहाँ पे पता ही है सभी को, यहाँ पे मोटरोला का, यहाँ पे साइड में देखोगे तो यहाँ पे मोटरोला की ये फायर पीएट आ सकते हो, मीडिया टेक सीपीयू का, मीडिया टेक सीपीयू का होगा। यहाँ पे अपने मॉडल सेलेक्ट करना है, कोई भी जो भी मॉडल होगा हमारा, इसको मॉडल सेलेक्ट करना है और रिसेट एफआरपी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये बूटिंग कनेक्ट करेगा, मीडिया टेक का होगा,
तो फ्लैश मोड पे होगा, तो फ्लैश मोड आपको 4 बार कनेक्ट करना है, किसी भी फ़ोन को 4 बार आपको कनेक्ट करना है, और उस 4 बार आपको बैटरी को प्रॉपर, या तो फ़ोन ऑन हो रहा है तो ऑन करके ऑफ करना है, नहीं तो उसको बैटरी को आपको प्रॉपरली रिमूव करना है, फिर लगाना है, उसके बाद बूटिंग करानी है आपको। तो यहाँ पे देखो लिख रहा है इंटरफेस, लिख रहा है ब्राउन मोड। अब इसका जो ब्राउन मोड है, ये फ्लैश मोड या ब्राउन मोड बोल सकते हैं, इसमें सबसे पहले आप अगर ब्राउन मोड कहीं भी दिखेगा तो सबसे पहले फ़ोन को आपको डायरेक्ट कनेक्ट करना है, किसी भी फ़ोन को क्या करना है, USB केबल से डायरेक्ट कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद नहीं तो वैल्यूम अप, नहीं तो डाउन, नहीं तो दोनों की एक साथ प्रेस करके, वैल्यूम डाउन और वैल्यूम अप दोनों एक साथ प्रेस करके कनेक्ट करना है। ब्राउन मोड में हमेशा आपको सबसे पहले फ़ोन को डायरेक्टली कनेक्ट करना है, मतलब प्रॉपर फ़ोन को ऑफ करना है, उसके बाद फ़ोन को हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। क्लियर है इतना? जी सर। चलो अब यहाँ से मोटो की मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ शुरू से, जो भूल भी गए होगे या नहीं भूले होगे, और जिनको पता है। चलो अब यहाँ पे आते हैं टूल एंड FRP में आते हैं। टूल एंड FRP में आते हैं तो टूल एंड FRP में सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हो, FRP हटा सकते हो, रीड इन्फो कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे आप कोई सा भी फ़ोन आएगा, MediaTek का कोई सा भी फ़ोन आएगा, ट्रिक और ले लो, एक बेसिक ट्रिक ले लो। अगर आपके पास कोई सा भी फ़ोन आया, सपोज़ वो FRP हो, चाहे वो फॉर्मेटिंग हो, तो कोई सा भी फ़ोन, सपोज़ ये मेरे पास एक फ़ोन आया, हमारे पास एक फ़ोन आया और ये MediaTek CPU लगा है, इसमें जो भी ये मॉडल है, वीवो का मॉडल या फिर जो, अरे म्यूट कर लो अपने, अरे यार माइक ऑफ करो ना। चलो तो ये हमारे पास एक फोन आया है, हमने पता किया, तो इसमें CPU किसका लगा है, MediaTek CPU लगा हुआ है, ठीक है। अब इसका हमें या तो फॉर्मेटिंग करना है, या तो इसकी FRP हटानी है, कुछ भी हटाना है, तो हम क्या करेंगे, अपना जाते हैं ब्रांड लेते हैं यहाँ पे, कि देखते हैं हमारा यहाँ पे ब्रांड है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। हमारा जो भी ब्रांड होगा यहाँ पे देखते हैं, अरे नहीं है ब्रांड, तब तो नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सल, इसको नहीं बोलेंगे, ये एक मॉडल ही होगा, एसेंट करके ये मॉडल है, बट आपको यही लेना है, ये आप यूनिवर्सल मेथड समझ लो इसको, ये जो इंटरफेस है ये इसको यूनिवर्सल समझ लो। क्या समझेंगे इसको, यूनिवर्सल मेथड समझ लो, और ये प्रॉपरली मैंने वीडियो भी बना के डाला हुआ है, ये काम करता है, 100% काम करता है। आप नहीं किया तो आप उसको अपना मॉडल और ब्रांड वाइज ले लेना। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करो, जो मॉडल अगर इसमें नहीं है, अगर इसमें हमारा ब्रांड नहीं है, अगर जो भी हम फ़ोन को कर रहे हैं MediaTek से रिलेटेड, MediaTek से रिलेटेड अगर इसमें ब्रांड है, अगर है आपका, अगर नहीं है तो आपको लेना है सबसे ऊपर, एक्सटेंड जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे बस सेम रखना है। अब आपको यहाँ पे चाहे उसकी फॉर्मेटिंग करनी हो तो फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। ये ब्राउन मोड पे काम करेगा, किस मोड पे काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो फॉर्मेट के लिए फ़ोन होता है, तो ये मेटा मोड के लिए ऑप्शन दिया है, Meta 2 और Meta 1, यहाँ से आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये 3 टैब से आपको फॉर्मेटिंग करना है। सबसे पहले किसी भी फ़ोन को आपको फॉर्मेट FS करना है, MediaTek को किसी भी फ़ोन को सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मेट। उसके बाद नहीं हुआ तो मेटा मोड में हमें हटाना है, फॉर्मेट करना है, ठीक है। पहले हमें Factory 2 और उसके बाद Factory 1 रिसेट ही। अब यहाँ पे कोई भी फ़ोन FRP हुआ, रीड इन्फो हुआ, यहाँ पे आप सारी चीज़ें इससे कर सकते हो। तो कोई भी फ़ोन आएगा, सबसे पहले MediaTek है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि हमारा मॉडल है कि नहीं। अब इसमें देखेंगे वीवो, तो हम जाएंगे इसमें वीवो में जाएंगे, और वीवो में जाने के बाद अब हमारा मॉडल, अब मॉडल भी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं कि मॉडल नहीं है तो वर्क नहीं करेगा। इसमें आप एक बार जैसे हमारा Y53 या फिर जो भी है, जैसे हमारे पास सपोज इसमें Y90 है, पर हमारा Y90 फ़ोन है और इसमें मॉडल में नहीं है, तो आप Y93 ले सकते हो, क्योंकि ये MediaTek ही CPU है। आपको इसीलिए बोलता हूँ ट्राई करना है, ज़रूरी नहीं कि वो मॉडल काम ही करें, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे उससे रिलेटेड आपको ले लेना है। अब आपने वीवो ले लिया, Y93 ले लिया, अब उसके बाद आपको करना है मेटा मोड। तो आपको फ़ोन को फिर से कनेक्ट कैसे करना है, आपको फ़ोन को या तो डायरेक्ट कनेक्ट करना है, अगर वो प्री लोडर ड्राइवर बनाता है तो ठीक है, नहीं बनाता है तो उसके लिए फिर वैल्यूम अप और डाउन दबा के कनेक्ट करना है, तो वो मेटा मोड में आपको कन्वर्ट करेगा पहले, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे वर्क करेगा। नहीं, अगर आपका फ़ोन मेटा मोड में या फिर कोई ड्राइवर इशू आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके लिए मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है रिबूट, यहाँ पे लिखा हुआ ना रिबूट 2,
तो सबसे पहले आप क्या करो, फोन को मेटा मोड में ही कन्वर्ट कर लो, मतलब फोन को ब्राउन मोड में कनेक्ट करो और वो मेटा मोड में आपको ले जाएगा। तो देखो यहाँ पे मेटा लिखा हुआ है ना, स्टॉप हो जाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप रिबूट कर लो, बट अगर रिबूट नहीं करना चाहते हो तो एक CDC ड्राइवर, अपने मिरर से रिलेटेड CDC ड्राइवर अगर नहीं रखोगे, नहीं चलाओगे, मैन्युअली चला लेना, सभी लोग लिखना है तो लिख लो CDC ड्राइवर। मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रहे हैं कि आप जाओ किसी भी मीडियाटेक का प्रीलोडर CDC ड्राइवर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना मैन्युअली, तब जाके वो बहुत ही अच्छी तरीके से मेटा मोड में कन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्ट होते ही तुरंत आपका पोर्ट बना लेगा। CDC ड्राइवर है सर? हाँ, CDC ड्राइवर, प्रीलोडर CDC ड्राइवर, ठीक है। वो ड्राइवर भी मैं दिखा दूंगा लास्ट के एंड में, मैं ड्राइवर भी दिखा दूंगा, ठीक है, और उसको डाउनलोड कर। हाँ ओके सर, चलो। अब ये जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं इनका तो कुछ नहीं कर सकते अपन। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ ना फैक्ट्री फास्ट बूट मेटा, तो मेटा मोड में जाकर के रिबूट कर दो, मेटा मोड में जाकर के क्या कर दो, रिबूट कर दो, तो वन टाइम मेटा मोड में चला जाएगा, फिर उसके बाद इनको फैक्ट्री रिसेट टू और फैक्ट्री। बट आप MMC करते हैं, एक बार आपने MMC कर लिया तो आप कभी भी आइए, मतलब आप आगे चल के कोई नया फ़ोन आता है या अपडेट होते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, आप हमेशा आइए और अपडेट होइए, ये मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो आप MMC जरूर करिए, क्योंकि MMC आपका लास्ट हो गया, मतलब कोई भी फ़ोन आपके पास फिर आएगा आप उसको 100% करके देंगे, चाहे उसमें आप स्वैपिंग कर देंगे। और एक छोटा सा अपडेट और देना चाहूँगा, आपके शॉप में जितने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सेट बंद हुए होंगे, लोगो पे, ब्लिंकिंग पे या फ्लैश करने टाइम पे डेड हुआ होगा, वो सारे फ़ोन ला सकते हो, एक दो नहीं, सारे फ़ोन लेकर के आओ और वहाँ पे अपने खुद से बनाना है। तो ये तो छोटा सा अपडेट था MMC के बारे में, क्योंकि हम MMC के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आजकल के जो भी फ़ोन है, पहले आपका MMC आता था, अब EMCP आने लगा है, अब जो लेटेस्ट हैंडफोन आ रहा है वो आपका आ रहा है, आपका UFS आ रहा है, आगे चल के और भी MMC चेंज होंगी। बहुत अपडेट हो रहा है और MRT बहुत वर्क कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे मॉडल उसमें ऐड हैं और MRT बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें वर्क कर रहा है, तो MRT भी। और दूसरी चीज़, आपको MMC आना चाहिए, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपको देखिए लास्ट स्टेज होता है MMC, तो आपको मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल MMC ज्वाइन करें, आपको जहाँ हो सके आप वहाँ MMC करें, बट आपको फिर सपोर्ट लेना होगा, तो आपको फिर वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से आपने MMC किया हुआ है। तो चलो, यहाँ पे सारे टैब दिख रहे होंगे, तो सभी को स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे, चलो। अब ये मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, तो देखो यहाँ पे जो ये जेन्युइन है, जैसे ये ओप्पो दिख रहा है, ओप्पो वीवो, ये दिख रहे हैं ओप्पो वीवो, ये जेन्युइन है। जेन्युइन का मतलब ये होता है कि जो जिस तरीके से, अगर क्वालकॉम होगा तो EDL में होगा, MediaTek होगा तो आपका MediaTek ड्राइवर चाहिए उसमें, समझ में आ रहा है, फ्लैश मोड, तो ये जेन्युइन है। ये जो टैब है क्वालकॉम और वीवो का, तो मतलब हम यहाँ पे कोई सा भी मॉडल लेते हैं, समझ में आ रहा है, कोई सा भी, जैसे हमारे देखो कितने सारे इसमें मॉडल ऐड है, काफ़ी सारे इसमें Z5, अभी मैंने इसका एक वीडियो डाला था, जो किसका वीडियो डाला था, एक लेटेस्ट हैंडफोन का वीडियो डाला है, Y19 तक का डाल दिया है, और Z1 Pro का भी वीडियो मैंने डाल दिया है, ठीक है, Z1 Pro का वीडियो में भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है वीवो का। तो सपोज हम कोई सा भी एक मॉडल ले लेते हैं, ये Z1 के लिए, Z1 Pro इसमें नहीं है, Z1 Pro दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो ये सब मॉडल आपको हमेशा करना है, लिखना है। तो Z1 Pro के लिए आपको Z5X लेना है, क्या लेना है, Z5X। अब देखो यहाँ पे साइड में पढ़ना इंटरफेस, इनको EDL मोड ही चाहिए, कौन से मोड पे वर्क करेंगे ये, वॉल्यूम अप डाउन EDL मोड, समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, मतलब इनको क्वालकॉम इंटरफेस EDL इंटरफेस चाहिए, तब जाके ये वर्क करेंगे। तो ये जेन्युइन है, मतलब जेन्युइन का मतलब आप समझ गए, यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे काम करेंगे, जो भी मॉडल आप यहाँ पे ब्रांड लेते हैं यहाँ पे, तो ये जितने भी टैब हैं, जितने भी ये मॉडल हैं, ये किस में वर्क करेगा, EDL मोड पे वर्क करेगा, क्वालकॉम होगा तो EDL और MediaTek होगा तो अपना
बूटिंग मतलब वैल्यूम अप या डाउन, या तो दोनों या तो कुछ भी नहीं, क्लियर है? ऐसे ओप्पो भी है। अब ओप्पो का जो भी मॉडल होगा यहाँ पे A71Y F9 F3 मीडिया टेक A77, तो ये लेगा आपका। देखो यहाँ पे लिखा है वैल्यूम अप, यहाँ पे देखो ये नोटिफिकेशन पढ़ा करो यहाँ पे, समझ में आ रहा है? मतलब इसमें मीडिया टेक सीपीयू लगा हुआ है। अब यहाँ पे हमें फॉर्मेट करना है, क्या करना है? फॉर्मेट FRP होगी तो इरेज FRP, नहीं तो हमारा फॉर्मेट, और स्टार्ट बटन दबाना है। अब फोन को हमें वैल्यूम अप या डाउन, या तो दोनों या तो डायरेक्ट, फ्लैश मोड, समझ में आ गया? फ्लैश मोड। तो ये होता है जेन्युइन, मतलब ये इसमें आपका बेसिक जो होगा मीडिया टेक होगा, फ्लैश मोड, कॉलकॉम होगा, ईडीएल मोड पे ही ये वर्क करेंगे, ठीक है? चाहे आप वीवो ले लो, चाहे वीवो का फॉर्मेट इरेज FRP, यहाँ पे फॉर्मेट अनलॉक, फॉर्मेट अनलॉक पे क्लिक करना है, अपना मॉडल लेना है और स्टॉप बटन को दबा देना है। पूछना है यहाँ पे कुछ ओप्पो वीवो में यहाँ पे? नहीं सर। तो ये समझ में आ रहा है? तो ये अपडेट ये आपका जेन्युइन काम करेगा, कोई सा भी अगर आपके पास है तो डायरेक्टली आप वहाँ पे अपना मॉडल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वर्क करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखो MRT, ये जो लिखा है ना MRT वर्जन 2.60, यहाँ पे दिख रहा है ना ऊपर MRT वर्जन 2.60, ठीक है? हवाई का तो स्पेशल मैंने सारी क्लास में बताया, हवाई का तो पता ही है आपको। अगर किसी को हवाई के बारे में पूछना है तो बताओ फिर से, ये तो प्रैक्टिकली आपको बताया गया है सारी क्लासों में, करा दीजिए सर एक बार, ठीक है? चलो वो भी खुल रहा है। तो ये हवाई का जो 1.8 ड्राइवर होता है, 1.8 अगर ड्राइवर नहीं बनाएगा टेस्ट पॉइंट से, आप इसमें कोई भी बूट लोडर अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली 1.8 ड्राइवर बनाना है और बहुत ही ईजिली तरीके से कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे हवाई का इंटरफेस खुल गया यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है USB COM 1.0 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे अपना CPU टाइप लेना है, मतलब आपको गूगल में जैसे सर्च करते हैं ना अपना CPU टाइप, तो CPU नंबर यहाँ पे दिख जाएगा, तो 9 लाइट या फिर जो भी होगा यहाँ पे अपना CPU ले लेना है, 659 जो भी हमारा CPU होगा, तो आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन को दबा देना है। क्या कर देना है? तब दबाना है जब आपका 1.8 ड्राइवर बनाया हो और आपके कंप्यूटर में कनेक्ट होगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये बूटिंग करेंगे, प्रोसेस करेंगे। अगर वो फ़ोन रिबूट हो जाता है, अगर वो फ़ोन रिबूट हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक आने के बाद भी लोग नहीं कर पाते हैं, अगर फ़ोन रिबूट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फ़ोन को लगे रहने देना है। आपको डाटा केबल नहीं निकालना है, आप उस फ़ोन को डाटा केबल लगे रहने देना है, आपको फ़ोन नहीं निकालना है तब तक जब तक आपका फ़ोन रिबूट ना हो अपने से, ठीक है? हमारा फ़ोन रिबूट नहीं हुआ, अगर रिबूट हो गया तो वो फॉर्मेट हो गया, FRP हट गई। अगर नहीं हुआ तो इसके लिए सीधे यहाँ पे अनलॉक अकाउंट पे जाना है। कहाँ पे जाना है? अनलॉक अकाउंट पे जाना है और इरेज FRP देख रहे हो, इरेज FRP पे क्लिक करना है और जैसे ही स्टार्ट बटन दबाओगे फ़ोन रिबूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ़ोन रिबूट हो जाएगा, फिर डाटा केबल निकाल देना है और FRP हट जाएगी, क्लियर है? क्या हो गया? CPU नंबर ये आप जैसे मोबाइल का, जैसे जैसे हमारे पास होनर 9 लाइट हुआ, ठीक है? तो यहाँ पे आपको CPU जाना है, होनर 9 लाइट CPU टाइप लिखते हैं ना, तो जैसे CPU टाइप लिखेंगे तो उसमें सारा CPU नंबर भी आ जाएगा, ठीक है? तो जो हमारा यहाँ पे CPU नंबर होगा, जो भी हमारा फ़ोन होगा, वही हमें CPU लेना है। अगर वहाँ पे लिखा होगा 710 तो 710 ही लेना है और फिर स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है। फ़ोन रिबूट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तब आपको कुछ नहीं करना है, फ़ोन को डिसकनेक्ट नहीं करना है डाटा केबल से, अनलॉक में जाना है, इरेज FRP पे करना है और स्टार्ट बटन दबा देना है और आपकी फ़ोन वो बूट रिबूट हो जाएगा। तो जैसे फ़ोन रिबूट हो गया बस डाटा केबल निकाल देना है और आपकी FRP हट जाएगी, ठीक है? और कुछ पूछना है यहाँ पे? कट कर दो इसको। चलो ये टैब खुल गया जो हमने 2.60 खोला है यहाँ पे,
ठीक है, MRT का 2.60, ये यहाँ से हमने ऊपर यहाँ पे दिख रहा है MRT वर्जन 2.60, यहाँ पे इसका अपडेट मैं बता रहा हूँ। चलो ये बहुत अच्छा होता है, ये यहाँ पे बेटा मोड, यहाँ पे भी ऑटो डिटेक्ट निशन करता है, मतलब इनको जो चाहिए आप यहाँ से कर सकते हो। बहुत ही मीडिया टेक और कॉलकम के लिए तो बहुत ही बेस्ट है ये। जैसे सपोज मीडिया टेक का हुआ, तो जैसे हमने मीडिया टेक किया तो एक टैब और खुल गया ना यहाँ पे, कट कर रहा हूँ मैं। अब जैसे देखो हमारा मीडिया टेक पे काम करना है, कॉलकम बेस पे काम करना है, वीवो स्पेशल नहीं, सोमी स्पेशल नहीं, ये मैं मीडिया टेक की बात कर रहा हूँ। तो मीडिया टेक पे जैसे हमने खोला तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे मॉडल और यहाँ पे और वीवो के भी है। तो यहाँ पे देखो वीवो का है, तो वीवो यहाँ पे लिखा है, देखो बीबी बीबी के लिखा है, बीबी के वीवो ओनली, ये आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। क्या करना है, अगर आप वीवो पे काम कर रहे हैं तो वीवो, और ओप्पो पे काम कर रहे हैं तो ओप्पो, ओप्पो में काम कर रहे हैं तो ओप्पो, और वीवो में काम कर रहे हैं तो वीवो, ठीक है। अब ये सेलेक्ट हमने ले लिया। अब इसके बाद जो है आपका ये सीपीयू है, आपको यहाँ पे मैं आपका जेनरिक बता दे रहा हूँ, आपको हमेशा ये जो दिख रहा है ना X2i, ये ओनली ये जो दिख रहा है ना, ये बहुत काम का चीज़ होता है, बहुत काम का मॉडल है ये। चाहे आपका मॉडल हो चाहे ना हो, आपको ये लेना है X2i ओनली। समझ में आ रहा है, ये आपका बहुत ही जेन्युइन तरीका है। अब यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं, आपको ऊपर से नहीं चलना है, यहाँ पे आपको नीचे से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या लेना है, वीवो, उसके बाद आपको क्या लेना है, X2i। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फॉर्मेट करना है या FRP हटानी है, अगर FRP हटानी है तो इरेज FRP, और फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट, और सिंपली आपको स्टार्ट बटन दबा देना है और फ़ोन को कनेक्ट करना है, वैल्यूम अप या डाउन या तो दोनों या तो कुछ भी नहीं। बहुत ही इजीली तरीके से, सिंपल तरीके से यहाँ पे आपकी अनलॉकिंग हो जाएगी। मीराटेक का जो फ़ोन UMT से ना हो रहा हो, जो फ़ोन मीराटेक से ना हो रहा हो, मिरकल से ना हो रहा हो, मिरकल भी अभी मैं 2 मिनट के लिए खोलूंगा और मिरकल में एक अपडेट बता दूंगा। मिरकल का भी बहुत अच्छा अपडेट आ चुका है, मेटा मोड का मिरकल में भी आ गया है, बहुत ही बेस्ट है वो, और वर्क भी कर रहा है एकदम 100%। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, ओप्पो लेना है, ओप्पो ओनली। क्या लेना है, ओप्पो ओनली लेना है। यहाँ पे आप मॉडल बेसिस पे जा सकते हैं, जैसे A71 हो गया, Y71 हो गया, यहाँ पे आपको जेन्युइन तरीके से ले लेना है। आपको A71 कोई सा भी मॉडल आता है तो आपको A71 में ट्राई करना है, लिख लेना। अगर आपको कहीं पे चार्ट बना रहे होगे या फिर जो भी कर रहे होगे तो एक लिख लेना, एक उसमें चार्ट बना लेना आप लोग। समझ में आ रहा है, आपको इसमें A71 ले लेना है, और वीमो में क्या ले लेना है आपको, अरे बोल तो दो, वीमो में ले लेना है X2i ओनली। एक बार ये लेके आपको हमेशा ट्राई करना है, जैसे यूनिवर्सल मेथड हमने बताया था ना, वैसे इसका यूनिवर्सल मेथड ये है। और यहां पे देखो एक चीज यहां पे दिख रहा होगा, इंटरफेस CDC डिवाइस, क्या लिखा हुआ है, CDC ड्राइवर। मैंने बोला था ना मेटा मोड के लिए आपका CDC ड्राइवर होना चाहिए, नहीं तो आपका मेटा मोड ड्राइवर डिटेक्ट काम नहीं करेगा। आप कितना भी टूल चेंज करेंगे, कितना भी आप कुछ भी लेंगे, UMT मिरेकल और ये आपका MTK MRT, तो आपका वर्क नहीं करेगा जब तक आपका प्रॉपरली ड्राइवर और बूटिंग सही तरीके से नहीं होगा। तो ठीक है, तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। ओप्पो और भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, मोटो ओनली है, कॉल पैड के फ़ोन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आपको दो चीज़ हमेशा टिक रहने देना है, स्विच हाई स्पीड और रीड मोबाइल PMT डाटा, ये आपको हमेशा अनटिक नहीं करना है, ये टिक ही रहने देना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, फिर वीवो और ओप्पो पे आपको वर्क करना होगा, तो यहाँ से आप वर्क कर सकते हो बहुत ही इजीली तरीके से। तो ये MRT का फुल सेटअप हमने बताया, MRT का फुल आपको कैसे रन करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें से कुछ पूछना है आपको, यहाँ पे कुछ पूछना है MRT में? देखो मैं फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ, क्या आवाज कट रही भाई, आवाज क्लियर। हाँ चलो,
मैं बस अब छोटा सा अपडेट और देना चाहूँगा, जिन लोगों ने या फिर 2018 के स्टूडेंट होंगे या 2019 के स्टूडेंट हैं, तो अभी देखो 2020 चल रहा है। मैं फिर से एक रिमाइंड कर रहा हूँ कि पहले EMMC था, अब EMCP हो गया, अब आगे जो चल रहा है वो UFS आपको मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप EMMC क्लास ज्वाइन करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एसआई टेलीकॉम ज्वाइन करो, एसआई टेलीकॉम ज्वाइन करते तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपके लिए, और आप नहीं करते एसआई टेलीकॉम तो आप और भी अदर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। बट मैं तो प्रिपेयर यही करूँगा, क्योंकि आप जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं उनको केवल सपोर्ट मिल रहा है। अब तो बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम भी चालू है, जैसा कि आप देख रहे हो, कॉलिंग मेथड से सपोर्ट और बहुत सारे ऐसा फंक्शंस हो गए जो कि आपको सुविधा है। बट आप मैं एक चीज़ एक पर्सनल तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो यही चाहूँगा, क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, तो क्योंकि हमें हमेशा यही काम करना है आगे चल के, तो ऐसा नहीं कि हमें वो काम बंद कर देना है। तो देखो, अगर आप जैसे आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सीख लिया, तो आप 80% फोनों को आप कर लेंगे, 110% नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें आप कहीं ना कहीं जाके EMMC प्रॉब्लम में आपको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल के जो फ़ोन आ रहे हैं तो आपको ISP से करना हो रहा है। अब ISP प्रॉपर आप तो YouTube से देख लेते हैं, अगर यार हमें तो 5 जम्पर देने, हमने तो 5 जम्पर दे दिया और फ़ोन डेड कर दिया। अब वही मैटर होता है कि VCC VCC क्यों, हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि VCC VCC क्यों, हमें कब और कैसा और कितना वोल्टेज आना चाहिए, ये सारा एक्चुअल नॉलेज आप लीजिए और आप क्लास ज्वाइन कीजिए। उसमें बेनिफिट्स क्या है, मैं एक छोटी सी बेनिफिट बता रहा हूँ कि आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो इन फ्यूचर आगे भी जब कोई अपडेट होगा तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, और हमेशा आप इंस्टीट्यूट के टच में रहेंगे, और आपको 6 महीने बाद 1 साल बाद अपडेट होना है तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा आपसे। तो जिन लोगों ने MMC किया है तो उसकी वैल्यू पता ही है उनको, और जिन लोगों ने नहीं किया है तो वो कहीं से करे, चाहे वो उनको जहाँ से सुविधा समझ में आ रही हो वो वहाँ से MMC क्लास ज्वाइन करे, जिनमें जिनसे उनका 100% कोई सा भी अनलॉकिंग आएगा, रीप्रोग्रामिंग आएगा, स्वैपिंग आएगा, वो वहाँ से कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा, जब कभी ऐसा टेलीकॉम आप आए, मैं बोल रहा हूँ 100% कि जितने भी आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आपके जितने भी फ़ोन ब्लिंकिंग से रिलेटेड, जितने भी सॉफ्टवेयर से डेड हुए फ़ोन, सब लेके आओ, आप खुद बनाओगे, और जब बनाओगे तो गुड फील खुद से होगा, स्वैपिंग करोगे, खुद से स्वैपिंग करोगे, ठीक है। इन फ्यूचर आगे चल के देव सर भी पढ़ाएंगे MMC, आपको गाइड करेंगे, तो बहुत सारे ऐसे अपडेट हो रहा है, तो हमेशा जुड़े रहो। और कैसा लगा आप लोगों को, इतना बता सकते हो? अच्छा था, बहुत बहुत चलो अच्छा लगा, चलो ठीक है, ऐसे में बहुत 2 दिन, बहुत अच्छा लगा। 2 दिन के बाद फिर आएंगे, और 2 दिन के बाद आएंगे स्टेमेटिक डायग्राम हार्डवेयर से रिलेटेड, आएंगे ऐप फाइंडर, और उसमें जिंग जॉजू और एक और ऐप है, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, उस सारी चीज़ों की डिटेल करेंगे, उसको कैसे यूज़ करना है, क्या कैसा क्रेडिट है, और वो सारी चीज़ हम 2 दिन के बाद क्लास में आकर के बताएंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू, ओके, गुड नाइट थैंक सभी को। यू बट हाँ, छोटी सी एक अपडेट और, हमेशा कुछ भी काम करिए उसका आप एक नोट्स ज़रूर बनाइए, मेरे लिए नहीं बनाएंगे आप, हमें वो नोट्स हमें नहीं चाहिए, आप जब आप काम करेंगे, क्योंकि क्या क्या होता है, कभी कभी एक फ़ोन ऐसा आ जाता है जो कि फिर वो 2 महीने बाद आता है, आपने तो करेंटली रिसेंटली उसे देख के तो बना लिया, बट जो 2 महीने बाद आता है तो फिर सोचते हैं, अरे, क्योंकि एक माइंड में बहुत सारा प्रेशर होता है, हार्डवेयर का प्रेशर होता है, सॉफ्टवेयर का प्रेशर होता है, और शॉप का प्रेशर होता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक नोट्स बनाओगे तो हमेशा वो नोट्स आपको काम आएंगे, क्योंकि एक वीवो का बना लो, एक ओप्पो का बना लो, एक सोमी का बना लो, रियलमी बना लो, सबका एक चार्ट बना लो, कि कल हमारे पास कोई सा भी फ़ोन आएगा हम फटाक से वो चार्ट उठा करके देखेंगे कि कहाँ से हमें हटाना है, समझ में आ रहा है? तो ये ज़रूर करो, सभी लोग बनाओ, और चलो ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट।